दिखाया है। हमने अपने ज्ञान और साहस के बल पर वो कर दिखाया है जो कभी असंभव सा लगता था। हमने चांद पर कदम रखा, मंगल पर रोवर्स उतारे, और इन अद्भुत उपलब्धियों ने हमें अंतरिक्ष के और भी रहस्यों को जानने के लिए प्रेरित किया। और अब तो और भी दूर ब्रह्मांड के अनगिनत रहस्यों को सुलझाने में लगे हैं। हर नई खोज हमें और भी आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। लेकिन एक सवाल हमेशा से हमारे मन में कौंधता रहा है, अगर हम चांद पर जा सकते हैं तो सूरज पर क्यों नहीं? सूरज, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, हमें हमेशा से आकर्षित करता रहा है। क्या यह सिर्फ तापमान की बात है या कुछ और भी है जो हमें सूरज के इतने करीब जाने से रोकता है? सूरज की सतह पर तापमान लाखों डिग्री तक पहुंच जाता है, जो किसी भी सामग्री को पिघला सकता है। इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे। हम जानेंगे कि सूरज पर जाना क्यों इतना कठिन है और इसके पीछे के वैज्ञानिक कारण क्या है। हम जानेंगे कि सूरज पर जाना क्यों असंभव सा लगता है और क्या भविष्य में कभी ऐसा हो पाना मुमकिन है। क्या हमारे पास ऐसी तकनीकें होंगी जो हमें सूरज के करीब ले जा सकेंगी? तो चलिए शुरू करते हैं इस वैज्ञानिक सफर पर। इस यात्रा में हम जानेंगे कि कैसे वैज्ञानिक और इंजीनियर इस चुनौती का सामना कर रहे हैं और क्या भविष्य में हम सूरज के रहस्यों को और करीब से जान पाएंगे। सूरज को समझने के लिए हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि आखिर यह है क्या चीज। सूरज हमारे सौर मंडल का केंद्र है और यह एक तारा है। यह तारा इतना महत्वपूर्ण है कि इसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। सूरज की रोशनी और गर्मी ही हमारे जीवन का आधार है। दोस्तों, सूरज कोई ठोस ग्रह नहीं है, बल्कि एक विशालकाय गैसों का गोला है। यह गोला मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है। सूरज की सतह पर जो हमें दिखता है, वह वास्तव में गैसों का एक विशाल समुद्र है। अब आप सोच रहे होंगे, गैसों का गोला? जी हाँ, यह मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम गैसों से बना है, जो लगातार एक दूसरे के साथ मिलकर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। यह प्रक्रिया सूरज के अंदरूनी हिस्सों में होती है और इसे थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और इसके केंद्र में चल रही है एक महाभयंकर प्रक्रिया, थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यह ऊर्जा ही सूरज की रोशनी और गर्मी का स्रोत है। इसी प्रक्रिया के कारण सूरज जलता नहीं, बल्कि ऊर्जा उत्पन्न करता है। यह ऊर्जा सूरज की सतह से बाहर निकलती है और अंतरिक्ष में फैलती है। यही ऊर्जा हमें धरती पर मिलती है और हमारे जीवन को संभव बनाती है। और यह ऊर्जा, यह रोशनी हमें धरती पर जीवन जीने की शक्ति देती है। पौधे इस रोशनी का उपयोग करके भोजन बनाते हैं, जिसे हम और अन्य जीव खाते हैं। सूरज की रोशनी के बिना धरती पर जीवन संभव नहीं होता। अब आप सोचिए, यह सूरज कितना विशाल होगा? सूरज का व्यास लगभग 1.39 मिलियन किलोमीटर है, जो हमारी पृथ्वी के व्यास से 109 गुना बड़ा है। यह इतना बड़ा है कि इसमें 13 लाख पृथ्वियां समा सकती हैं। इसका द्रव्यमान हमारी पृथ्वी से 3,33,000 गुना ज्यादा है। सूरज का गुरुत्वाकर्षण बल इतना शक्तिशाली है कि यह पूरे सौर मंडल को बांध कर रखता है। यही कारण है कि सभी ग्रह सूरज के चारों ओर परिक्रमा करते हैं। दोस्तों, सूरज की संरचना भी उतनी ही रोचक है जितना कि उसका आकार। सूरज, जो हमारे सौर मंडल का केंद्र है, एक विशाल गैस का गोला है जो मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना है। इसकी संरचना और तापमान के बारे में जानना बहुत ही दिलचस्प है। यह 5 मुख्य परतों में बंटा हुआ है: कोर, रेडिएटिव जोन, कन्वेक्टिव जोन, फोटोस्फीयर और कोरोना। हर परत की अपनी विशेषताएं और तापमान होते हैं। सबसे अंदर है उसका कोर, जहां तापमान 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यह सूरज का दिल है, जहां हाइड्रोजन परमाणु मिलकर हीलियम बनाते हैं और इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में ऊर्जा उत्पन्न होती है। यहीं पर होती है थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन। यह प्रक्रिया सूरज को उसकी ऊर्जा और प्रकाश देती है, जो हमें धरती पर जीवन के लिए आवश्यक गर्मी और रोशनी प्रदान करती है। उसके बाद आता है रेडिएटिव जोन, जहां गर्मी बाहर की तरफ फैलती है। इस परत में ऊर्जा फोटोन के रूप में धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ती है और यह प्रक्रिया लाखों सालों तक चल सकती है। फिर आता है कन्वेक्टिव जोन, जहां प्लाज्मा ठंडा होने लगता है। यहां गर्म प्लाज्मा ऊपर की ओर उठता है और ठंडा प्लाज्मा नीचे की ओर जाता है, जिससे एक प्रकार की संवहन धारा बनती है। इसके बाद आती है फोटोस्फीयर, जो कि सूरज की सबसे बाहरी दिखाई देने वाली सतह है। यह वह परत है जिसे हम धरती से देख सकते हैं और यहाँ पर सौर धब्बे भी दिखाई देते हैं। यहाँ का तापमान भी कम नहीं है,
लगभग 5,500 डिग्री सेल्सियस। यह परत सूरज की रोशनी और गर्मी को अंतरिक्ष में फैलाती है और अंत में आती है कोरोना, जो कि सूरज की सबसे बाहरी गैसीय परत है। यह परत बहुत ही पतली और विस्तारित होती है और इसे केवल सूर्य ग्रहण के समय ही स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। इसका तापमान तो और भी ज्यादा है, 10 लाख डिग्री सेल्सियस तक। यह परत सूरज की चुंबकीय गतिविधियों और सौर हवाओं का स्रोत है, जो पूरे सौर मंडल में फैलती है। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर सूरज इतना गर्म है तो क्या हम वहां कभी जा भी पाएंगे? दोस्तों, सच तो यह है कि सूरज के इतने करीब जाना लगभग असंभव है। अगर कोई इंसान सूरज के पास जाने की कोशिश भी करे तो वह लाखों किलोमीटर दूर ही जलकर भस्म हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि सूरज का तापमान इतना ज्यादा है कि कोई भी स्पेस सूट या मेटल उसे झेल नहीं सकता। यहाँ तक कि सबसे मजबूत धातु टंगस्टन भी 3422 डिग्री सेल्सियस पर पिघल जाता है, जबकि सूरज की सतह का तापमान ही 5500 डिग्री सेल्सियस है। चैप्टर 4, गंभीर विकिरण। तापमान के अलावा सूरज से निकलने वाला विकिरण भी हमारे लिए एक बहुत बड़ा खतरा है। सूरज से लगातार गामा किरणें, अल्ट्रावायलेट किरणें और सोलर फ्लेयर्स निकलते रहते हैं। ये रेडिएशन इतने खतरनाक होते हैं कि ये इंसानी शरीर की कोशिकाओं को पूरी तरह नष्ट कर सकते हैं। हमारी पृथ्वी का वातावरण और मैग्नेटोस्फीयर हमें इन विकिरणों से बचाता है, लेकिन अंतरिक्ष में ऐसा कोई सुरक्षा कवच नहीं है। चैप्टर 5, भारी गुरुत्वाकर्षण। सूरज का गुरुत्वाकर्षण भी हमारे लिए एक बड़ी चुनौती है। यह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से 28 गुना ज्यादा है। अगर कोई इंसान सूरज की तरफ गिरना शुरू करे तो उसकी गति इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि वह पहले ही जलकर भस्म हो जाएगा। ये वैसा ही है जैसे आप किसी विशालकाय चुंबक की तरफ खींचे जा रहे हों और आपके पास बचने का कोई रास्ता ना हो। चैप्टर 6, कोई ठोस सतह नहीं। दोस्तों, चांद पर तो हम इसलिए उतर पाए क्योंकि वहां ठोस सतह थी, लेकिन सूरज के साथ ऐसा नहीं है। यह एक गैसीय पिंड है, जिसका मतलब है कि वहां उतरने के लिए कोई ठोस जमीन नहीं है। अगर कोई इंसान सूरज पर उतरने की कोशिश करेगा तो वह उसके अंदर ही अंदर समाता चला जाएगा और अंत में प्लाज्मा में बदल जाएगा। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि हमने सूरज के बारे में जानने की कोशिश करना छोड़ दिया है। नासा ने 2018 में पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था, जो कि सूरज के सबसे करीब जाने वाला यान है। इसमें एक खास तरह की हीट शील्ड लगी है, जो 1400 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान झेल सकती है। यह मिशन हमें सूरज के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रहा है। चैप्टर 8, वैज्ञानिकों का मानना है कि भविष्य में हम सूरज की ऊर्जा का इस्तेमाल धरती पर ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए कर सकते हैं। इसके लिए एक योजना है कि सूरज के चारों तरफ विशाल सौर पैनल बनाए जाएं, जिन्हें डायसन स्फीयर कहा जाता है। ये पैनल सूरज की ऊर्जा को कैप्चर करेंगे और उसे धरती पर भेजेंगे। हालांकि ये अभी सिर्फ एक थ्योरी है और इसे हकीकत में बदलने के लिए हमें अभी बहुत तरक्की करनी होगी। चैप्टर 9। तो दोस्तों, फिलहाल तो सूरज पर इंसान का जाना असंभव सा लगता है, लेकिन विज्ञान में असंभव कुछ भी नहीं होता। अगर भविष्य में हम किसी ऐसे पदार्थ का निर्माण कर पाए जो सूरज के तापमान और विकिरण को झेल सके, तो शायद हम किसी रोबोट को सूरज के और भी करीब भेज सके। लेकिन फिलहाल हमें सूरज की शक्ति और प्रचंडता का सम्मान करना चाहिए और उससे सुरक्षित दूरी बनाए रखनी चाहिए। चैप्टर 10, तो दोस्तों, उम्मीद है। अब आप समझ गए होंगे कि सूरज पर जाना इतना आसान क्यों नहीं है। चांद और सूरज में बहुत बड़ा फर्क है। चांद पर तो हम इसलिए जा सकते हैं क्योंकि वहां सतह है, तापमान ज्यादा नहीं है और ऑक्सीजन के बिना भी वहां रहने के तरीके खोजे जा सकते हैं। लेकिन सूरज पर जाना एक अलग ही स्तर की चुनौती है। तो आपको क्या लगता है, क्या कभी इंसान सूरज पर जाने में सफल होगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। उतरो तो दोस्तों, आज हमने सूरज के बारे में बहुत कुछ जाना। हमने देखा कि यह कितना विशाल है, कितना गर्म है और कितना खतरनाक है। लेकिन साथ ही हमने यह भी जाना कि सूरज हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। यह हमें रोशनी देता है, गर्मी देता है और जीवन देता है। तो अगली बार जब आप सूरज को देखें तो उसे सिर्फ एक तारे की तरह ना देखें, बल्कि एक ऐसे शक्तिशाली पिंड की तरह देखें जिसने हमारे ग्रह पर जीवन को संभव बनाया है। अंतरिक्ष के ऐसे ही और भी रोचक रहस्यों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।